मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होगा, जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपार खुशी देगा। वर्षों की मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अच्छे लोग आने वाले हैं जो तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे और तुम्हारे प्रयासों में साथ देंगे। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही तुम्हारी सफलता पर गर्व करेंगे। इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर योजनाएं बनाई हैं। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। समय बदलने वाला है और वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है और वह सुखद क्षण तुम्हें गर्व से भर देगा। याद रखो, महादेव ने तुम्हें चुना है और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनका तुमने सपना देखा था। यह संघर्ष की समाप्ति और समृद्धि की शुरुआत है। अपने सपनों को सच होते देखने के लिए तैयार रहो, आत्मविश्वास से भरे रहो और जान लो कि हर बाधा अब दूर हो चुकी है। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड के संकेतों पर विश्वास करने का। जो कुछ भी तुमने मांगा था, वह अब पूरा होने जा रहा है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने होगा और सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। इसलिए विश्वास करो, आगे बढ़ो और अपने जीवन के इस सुंदर अध्याय का स्वागत करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय परिवर्तन और प्रगति का है। यह वह समय है जब तुम्हारे द्वारा किए गए हर छोटे बड़े प्रयास अपने सर्वोत्तम परिणाम देने वाले हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों को देख रहा है और वह जानता है कि तुमने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जागकर बिताई हैं और कितनी बार तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए त्याग किए हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। शायद तुम सोच रहे हो कि इतने संघर्षों के बाद भी क्यों अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन याद रखो बच्चा, हर चीज का एक समय होता है। यह जीवन का नियम है कि कोई भी बीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता। उसे समय लगता है, उसे सही वातावरण और देखभाल चाहिए। ठीक उसी तरह तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कर्म जो तुमने अच्छे उद्देश्य और मेहनत से किए हैं, अब अपने फलों के लिए तैयार हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में समझता हूँ कि इस समय तुम बहुत तनाव में हो। शायद तुम्हें यह लग रहा हो कि जीवन की हर चीज उलझ गई है और कुछ भी सही नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे समय रुक गया है और तुम्हारे प्रयास विफल हो रहे हैं। यह बहुत स्वाभाविक है कि जब हम निरंतर प्रयास करते हैं और हमें तत्काल परिणाम नहीं मिलते, तो हमारा धैर्य टूटने लगता है। हमें यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि चीजें बदलेंगी। लेकिन ध्यान रखो बच्चे, चमत्कार अचानक होते हैं। वे तब होते हैं जब हम उनकी सबसे कम उम्मीद करते हैं, और यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में भी आने वाला है। महादेव का आशीर्वाद, महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे सपनों को पूरा करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम समाज में कुछ अलग करना चाहते हो, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे लोग तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सम्मान से देखें,
तब से ही मैंने तुम्हारे लिए उस मार्ग को तैयार करना शुरू कर दिया था। यह रास्ता कठिन था और मैंने तुम्हें उसी रास्ते पर चलने का साहस दिया है। हर बड़े सपने को पूरा करने के लिए त्याग और कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। अगर तुम अब तक उन कठिनाइयों से गुजर रहे हो तो यह सिर्फ इसलिए है ताकि तुम उन ऊंचाइयों को छू सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित की गई हैं। तुमने मुझसे एक वादा किया था और मैंने उसे याद रखा है। तुम्हारा सपना केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे परिवार के लिए भी है और यह सपना बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। जो कठिनाइयां तुम अभी सह रहे हो वे केवल उस सफलता की तैयारी हैं जो तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने निर्धारित की है। तुम्हारे विरोधी मैं जानता हूं कि कई लोग तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते और तुम यह अच्छी तरह से जानते हो। वे प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहते परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग मीठी बातें करके तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करते हैं ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन बच्चे, तुम इन सब से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम इन लोगों की नकारात्मकता को पराजित कर सकते हो। तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना है क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखे हुए हैं। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वे जल्द ही तुम्हारी सफलता देखकर खामोश हो जाएंगे। यह समय उनका है, उन्हें हंसने दो। परंतु जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम उन्हें अपनी सफलता से उत्तर दोगे और वह दिन दूर नहीं है। इसलिए अभी कोई चिंता मत करो। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन यह मार्ग तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसके लिए तुमने इतने समय से परिश्रम किया है। आने वाले समय की तैयारी, तुम्हारी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति और धैर्य का प्रयोग करना है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जहां तुम संघर्ष कर रहे थे अब समाप्त होने वाला है। एक नया सुखद अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें तुम्हारे जीवन में खुशी, समृद्धि और शांति आएगी। तुम्हारे परिवार में जो अशांति थी वह समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें अपने परिवार के साथ वह खुशी और उत्साह देखने का अवसर मिलेगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। जब तुम्हें यह लगे कि चीजें अभी भी उलझी हुई हैं, तो यह याद रखना कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत का हर क्षण, हर प्रयास ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार काम कर रहा है। अब वह समय आ गया है जब यह सब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से तुमने अपनी यात्रा शुरू की थी। ब्रह्मांड का संदेश, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए इस समय कुछ अद्भुत योजनाएं बना रहा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारे इरादे अब उस स्थिति में आ चुके हैं जहां से वे तुमको सफलता दिलाने के लिए तैयार हैं। तुम जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब बहुत निकट है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास पर पूरा विश्वास करना है। ब्रह्मांड यह संदेश तुम्हें इसलिए भेज रहा है क्योंकि वह जानता है कि तुम में वह क्षमता है जो लोगों को प्रेरित कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से बदल सकती है। इसीलिए अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो बल्कि एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे हर विचार, हर कर्म तुम्हारे आत्मिक विकास का प्रतीक हैं। सकारात्मक सोच का महत्व अब जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है, तुम्हें अपनी सोच और ऊर्जा पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।
ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों और भावनाओं के माध्यम से तुमसे संवाद करता है। यह समय है कि तुम अपने भीतर सकारात्मकता को बनाए रखो। हर सुबह जब तुम उठते हो तो खुद से वादा करो कि आज का दिन एक सुंदर दिन होगा। तुम्हारे विचार और भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम हमेशा सकारात्मक रहो। अगर तुम्हें कोई कठिनाई या बाधा महसूस हो रही है तो उसे ब्रह्मांड का संकेत मानो कि यह तुम्हें और मजबूत बना रहा है। हर चुनौती तुम्हें अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर और अधिक स्पष्टता के साथ बढ़ाने के लिए आती है। धैर्य का फल तुम्हारी मेहनत और त्याग अब फल देने के लिए तैयार हैं। यह सत्य है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि समय बहुत धीमी गति से चल रहा है, लेकिन यह केवल प्रतीक्षा का समय होता है। अब वह समय समाप्त हो रहा है और तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हारे सामने आने वाला है। समय हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहा है, लेकिन याद रखो, हर बीज को एक वृक्ष बनने में समय लगता है। उसी तरह तुम्हारे सपनों को भी समय चाहिए था। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सारे सपने सच होने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नई सुबह का प्रारंभ हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने प्रयासों और मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां से तुमने अपने सपनों की शुरुआत की थी। अब तुम्हारा समय आ गया है। इस अवसर का स्वागत करो और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। निष्कर्ष, प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे कर्म अब फल देने के लिए तैयार हैं। तुमने जो कुछ भी चाहा था वह अब सच होने जा रहा है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम का समर्थन कर रहा है। इसलिए चिंता छोड़ो और उस उज्जवल भविष्य का स्वागत करो जो अब तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारे जीवन का यह समय है जब तुम खुद पर विश्वास करते हुए अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। जीवन में जो भी चुनौती और संघर्ष तुम्हारे सामने आए हैं वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। यह समय है कि तुम अपने जीवन की यात्रा को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए तैयार है। इस संदेश का उद्देश्य तुम्हारे भीतर छिपी हुई अनंत शक्ति को जगाना है। हर वह क्षण जो तुमने चुनौतियों के साथ बिताया वह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य के करीब ले आया है। अब समय है कि तुम उन सभी बाधाओं से मुक्त हो जाओ जो तुम्हें पीछे खींच रही थीं। यह जीवन का नियम है कि जब तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारे सामने कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। लेकिन जो लोग इन कठिनाइयों से डरते नहीं वे ही अपने सपनों को सच कर पाते हैं। और अब तुम भी अपने सपनों को साकार करने की दिशा में हो। तुम्हारी यात्रा, संघर्ष और आत्मविकास तुम्हारी यात्रा अब तक आसान नहीं रही है। तुमने बहुत संघर्ष किया है और कई बार ऐसे हालात आए होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची है। लेकिन यही वह क्षण थे जब तुम्हारे आत्मविकास की प्रक्रिया ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया। हर वह मुश्किल, हर वह चुनौती जो तुम्हारे सामने आई वह तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराने के लिए थी। कई बार हम जीवन की चुनौतियों से भागना चाहते हैं
लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें मजबूत बना रही है। यह समय तुम्हारे आत्मविकास का है। तुमने जितनी बार हार महसूस की, उतनी ही बार तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। यह यात्रा तुम्हें केवल सफलता की ओर ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर भी ले जा रही है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुमने अपने भीतर से उस नकारात्मकता को दूर कर दिया है जो तुम्हें कमजोर बना रही थी। जब हम किसी कठिन रास्ते पर चलते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन जान लो कि ब्रह्मांड की शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुमने कठिन समय का सामना किया है, वे शक्तियां तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित रही हैं। यह तुम्हारे विश्वास और धैर्य का परिणाम है कि आज तुम यहां तक पहुंचे हो, और अब तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हो चुका है। सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का महत्व यह समय है कि तुम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखो। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। ब्रह्मांड का नियम है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। इसलिए अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। हर सुबह जब तुम उठते हो तो अपने मन में यह विश्वास रखो कि आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। तुम्हारे विचारों में जो शक्ति है वह तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम हर पल अपने मन में सकारात्मक विचारों को बनाए रखो। जब तुम अपने बारे में सकारात्मक सोचते हो तो ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी मदद के लिए आती हैं। वे तुम्हारे सपनों को सच करने में तुम्हारी सहायता करती हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे हर विचार, हर भावना को देखता और समझता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें खुश करती हैं और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब ले जाती हैं। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की जो ऊर्जा है वह तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से पार पाने में सक्षम बनाती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी चुनौती के सामने कमजोर पड़ रहे हो तो अपने भीतर झांको और उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें जन्म से मिली है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें जीवन की हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाती है। धैर्य का महत्व, धैर्य वह गुण है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। जीवन में जो भी अच्छा होता है उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे प्रयासों का परिणाम हमें तुरंत मिल जाना चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है। ब्रह्मांड का समय अलग होता है और वह हमारे प्रयासों को सही समय पर परिणाम देता है। तुमने जो भी प्रयास किए हैं वे अब अपने फलों के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखना होगा। यह धैर्य तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता लाएगा जो तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाने में मदद करेगा। तुम्हारे मन में कई बार यह सवाल उठ सकता है कि क्या तुम्हारी मेहनत और त्याग व्यर्थ हो गए हैं, लेकिन ध्यान रखना, ब्रह्मांड का नियम है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर वह छोटा या बड़ा प्रयास जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा। और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने धैर्य और मेहनत का परिणाम मिलने वाला है। विरोधियों और नकारात्मकता से दूर रहो। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे लोग तुम्हें अपने रास्ते से भटकाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है जो तुम्हें नकारात्मकता से भरने की कोशिश कर रहे हैं।
वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें अनदेखा करो, क्योंकि उनकी नकारात्मकता केवल तुम्हें कमजोर बनाएगी। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रख सकती है। यह शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से आती है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेते हो तो कोई भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं भटका सकता। परिवर्तन की प्रक्रिया तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और शक्ति है वह तुम्हें इस परिवर्तन के लिए तैयार कर रही है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को समृद्धि और खुशी की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब दूर हो चुकी हैं। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां से तुमने अपने सपनों की शुरुआत की थी। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है। यह वह समय है जब तुम अपने सपनों को सच होते देखोगे। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही हैं। अब तुम्हें बस अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। समृद्धि और सफलता का समय तुम्हारे जीवन का यह नया चरण तुम्हें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगा। तुमने जो भी सपने देखे थे वे अब सच होने जा रहे हैं। तुम्हारी मेहनत और त्याग अब रंग लाने वाले हैं। यह समय है कि तुम अपनी सफलताओं का जश्न मना, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि सफलता के साथ साथ तुम्हें विनम्रता बनाए रखनी है, क्योंकि सफलता का असली अर्थ तभी है जब हम उसे दूसरों के साथ साझा करें और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी है। जब तुम सफल होगे तो तुम्हारा परिवार गर्व महसूस करेगा। जो लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। ब्रह्मांड का आशीर्वाद। ब्रह्मांड ने तुम्हें इस यात्रा के लिए चुना है। यह तुम्हारे आत्मिक विकास का समय है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे ब्रह्मांड की कृपा और तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाएगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे कर्म अब ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचानो और उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करो। ब्रह्मांड की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में बढ़ रहा है जहां से तुम्हें केवल खुशियां और समृद्धि मिलेंगी। अब हम तुम्हारी यात्रा के और भी गहन पहलुओं पर विचार करेंगे। यह तुम्हारे जीवन की वो स्थिति है जहां तुम्हारे भीतर की आत्मा और बाहरी दुनिया का संतुलन बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तक तुमने जो संघर्ष झेले हैं वे तुम्हारे आत्मविकास और आत्मज्ञान के रास्ते में अत्यधिक आवश्यक थे, लेकिन अब समय है जब तुम्हें अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन लाना है ताकि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल और समृद्ध हो सके। आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शक्ति तुम्हारे जीवन की चुनौतियां अब पीछे छूट चुकी हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरकर देखना है कि तुमने अब तक क्या सीखा है। आत्मनिरीक्षण तुम्हारे जीवन का वह पहलू है जो तुम्हें समझने में मदद करता है कि तुमने किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया और उनसे क्या सीखा। यह आत्मनिरीक्षण तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी ज्ञान और शक्ति प्रदान करेगा। जब भी तुम अपने भीतर झांकते हो तुम उस आत्मा को पहचानते हो जो न केवल भौतिक अस्तित्व का हिस्सा है बल्कि उस अद्वितीय ऊर्जा का भी जो ब्रह्मांड में विद्यमान है। यह आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन करती है
लेकिन इसके लिए तुम्हें उसे सुनना और समझना होगा। यह समय आत्मचेतना का है, जहां तुम अपने भीतर के उत्तर खोज सकते हो। जब तुम अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचान लेते हो, तो जीवन की चुनौतियां तुम्हें डराती नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। जीवन का उद्देश्य, हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के साथ आता है, और अब तुम्हें अपने उद्देश्य की दिशा में ध्यान केंद्रित करना है। यह उद्देश्य तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा, जहां से तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कर पाओगे। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन की दिशा तय करनी है और उसे अपने उद्देश्य के अनुसार ढालना है। जीवन का उद्देश्य वह नहीं होता जो हमें समाज या दुनिया बताती है। यह वह आंतरिक ध्वनि है जो हमें हमारे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हें अपने भीतर के उस उद्देश्य को समझना होगा जो तुम्हें वास्तविक खुशी और संतोष दिलाएगा। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हो, तो जीवन की हर बाधा और कठिनाई केवल एक सीढ़ी बन जाती है, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाती है। कर्म और फल का सिद्धांत, तुम्हारे द्वारा किए गए हर कर्म का फल अवश्य मिलेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें अच्छे परिणाम देता है। और जब हम अपने कर्मों के प्रति सचेत होते हैं, तब जीवन हमें खुशियों और समृद्धि से भर देता है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी कठिनाई आई है, वह तुम्हें यह सिखाने के लिए थी कि हर कर्म का एक परिणाम होता है। जब तुमने सही दिशा में सही प्रयास किए हैं, तो अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें उन प्रयासों का फल मिलेगा। यह जरूरी है कि अब से तुम अपने हर कर्म को ध्यान से करो। जीवन में जब तुम कोई भी निर्णय लो, तो उसे सोच समझ कर और दिल से लो, क्योंकि वही निर्णय तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगे जहां से तुम्हें अपने जीवन का असली फल मिलेगा। समय का महत्व, जीवन में समय का अपना विशेष महत्व है। समय हर चीज को सही दिशा में ले जाता है। तुमने अब तक जो कुछ भी किया है, वह सब समय के साथ फलित होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि हर चीज अपने सही समय पर घटित होती है। तुम्हें धैर्य रखना है और विश्वास करना है कि समय तुम्हारे साथ है। कई बार हमें लगता है कि चीजें हमारे अनुरूप नहीं हो रही हैं, लेकिन यह समय की परीक्षा होती है। जो लोग धैर्य रखते हैं, वे ही समय की इस परीक्षा में सफल होते हैं। तुम्हारे जीवन का यह चरण अब समाप्त हो रहा है और एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय तुम्हें समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारे सारे प्रयास अब समय के साथ मिलकर तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, जहां से तुमने अपने जीवन की कल्पना की थी। आध्यात्मिक जागरूकता और शांति, तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। यह जागरूकता तुम्हें न केवल बल्कि दूसरों की